यह जिंदगी आपको हंसाती भी है और रुलाती भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिंदगी आपको कब रुलाती है और कब हंसाती है? अगर यह क्वेश्चन अपने आप से आप पूछें तो आपको शायद जवाब ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि जिंदगी आपको कब हंसाती है और जिंदगी आपको कब रुलाती है। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा यकीन है और विश्वास है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे और आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। यदि आपने अपने साथ ईमानदारी बरती तो यह जिंदगी आपको हमेशा हंसाती रहेगी और आपको एक तरह की खुशियां देती रहेगी। लेकिन आपने यदि अपने साथ इंसाफ नहीं किया, आपने अपने साथ बेईमानी किया, आपने अपने समय में बेईमानी किया, तो यकीन मानिए कि यह जिंदगी आपको जीवन भर रुलाती रहेगी। जैसे दो चीजें हमारे जीवन में बहुत ही अहम होती है, एक होता है जिसे आप दो पहली बात कहते हैं विश्वास और दूसरा है भरोसा। तो विश्वास और भरोसा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब मैं जो बात कर रहा था उस बात को जरा समझने का प्रयास करें कि वास्तव में जिंदगी आपको कब हंसाती है। देखो, उम्र जब शुरू होती है, जन्म के समय से ही उम्र का एक सफर शुरू हो जाता है, बचपन गुजरता है, धीरे धीरे आप थोड़े और बड़े होते हैं, फिर जवानी आती है, उसके बाद बुढ़ापा आता है, फिर मौत आ जाती है। यह सफर जो है जीवन का सफर है। अगर शुरू में जब आपको मौका मिला, जिसे हम विद्यार्थी जीवन कहते हैं, एजुकेशन का टाइम कहते हैं, आपका जो लगभग 20 से 25 साल का जो समय होता है वह एजुकेशन का टाइम होता है। यदि एजुकेशन के समय में आपने अपने आप से लापरवाही किया, अपने आप से इंसाफ नहीं किया, अर्थात आपने बेईमानी किया, तो जब आप इंसाफ नहीं करेंगे, अपने साथ बेईमानी करेंगे, तो फिर ये वक्त तो आपका व्यतीत चला जाएगा, यह वक्त तो आपका बेकार चला गया, आपने इस वक्त का सदुपयोग नहीं किया और आपने इस वक्त में मौज मस्ती और फिर दुनियादारी के रंगीनियों में खोते चले गए। नतीजा आपने एजुकेशन का दामन छोड़ दिया, नतीजा आपने पढ़ाई का दामन छोड़ दिया और उसका परिणाम हुआ कि फिर एक वक्त शुरू हुआ जो 25 के बाद वक्त शुरू होता है, आपके विवाह हो गए, विवाह के बाद बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां हो गई और वक्त गुजरा, माता पिता का साया भी आपके ऊपर से हट गया, क्योंकि जो 25 साल का समय था उस समय आपके साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको प्रोटेक्ट करता था, आपकी ढाल बनकर खड़ा होता था, लेकिन वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के साथ साथ वह ढाल भी समाप्त हो गई। आपने अपने 25 साल का समय यूं ही गंवा दिया और बर्बाद कर दिया। नतीजा क्या हुआ? जब आपने अपने वक्त को नहीं समझा, आपने अपने समय को नहीं समझा, आपने एजुकेशन को अपना दोस्त नहीं बनाया, तो यकीन मानिए कि आपको लाइफ में कठिनाइयां उठानी पड़ेगी, आपको रोना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया तो। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूं। अब तक आप कुछ ना कुछ समझ चुके होंगे। अगर आपने 25 साल तक अपने आप से ईमानदारी बरता, आपने अपने जिम्मेदारियों को समझा और आपने ये समझा कि मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा कर्तव्य है मुझे पढ़ना, मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स, मेरे गार्जियन, मेरे दोस्त अगर आपको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन आप उनकी बात समझ नहीं पाते हैं, आपको बुरा लगता है, तो समझ लीजिए कि एक दुख भरी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसे टाल नहीं सकता, लेकिन यदि आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया और 25 वर्ष की उम्र तक आपने पूरी ईमानदारी के साथ इंसाफ किया, तो यकीन मानिए आपको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आप एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। आप यदि आपका सहारा हट भी गया तो फिर भी आप खड़े हो पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन का दामन आपने थामा है। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि एजुकेशन का दामन थामने वाला व्यक्ति, एजुकेशन को लेकर चलने वाला व्यक्ति जिंदगी में हमेशा मुस्कुराता रहता है और उसे किसी चीज की अभाव नहीं होता है, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता है और जिंदगी उसे खुशियां देती रहती है। लेकिन यदि आपने एजुकेशन के दामन को नहीं समझा, यदि आपने एजुकेशन को नहीं समझा और उसके साथ आपने इंसाफ नहीं किया, तो फिर आपके जीवन में दुख भरी कहानी होगी, आपके जीवन में एक रोना रहेगा और फिर वक्त आपको तमाम तरह की
गतिविधियों से, तमाम तरह के रास्तों से आपको वह एक एक समय का खामियाजा आपसे वसूल करेगा। कभी आप कर्ज में डूबेंगे, कभी आप बीमारी में डूबेंगे, कभी आपको ये समाज ताना मारेगा, और कभी कभी तो ये होता है कि इंसान जब सहन नहीं कर पाता है तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। तय आपको करना है कि आप अपनी जिंदगी में खुशियां सेलेक्ट करते हैं या रोना सेलेक्ट करते हैं। और यकीन मानिए, यदि आपने अपने साथ इंसाफ किया तो यह दुनिया आपकी होगी और फिर सब कुछ आपका होगा। लेकिन आपने अपने साथ इंसाफ नहीं किया, अपने उन लोगों की बात नहीं मानी, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी और एजुकेशन का दामन आपने छोड़ दिया, तो जैसे आपने एजुकेशन का दामन छोड़ दिया तो फिर यकीन मानिए और वादे के साथ कहता हूं, एक दिन यह दुनिया भी आपका साथ छोड़ देगी और आपको ठोकरें खाने के लिए विवश कर देगी। आपके पास कोई चारा नहीं होगा, आपके पास केवल विवशता होगी, आपके पास केवल लाचारी होगी, आपके पास केवल मजबूरी होगी, आपके पास कर्ज होगा, आपके पास बीमारी होगी। खुशियां और मुस्कुराहट दूर दूर तक आपका साथ नहीं निभाएगी। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो एकमात्र जिम्मेदार आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि जब वक्त था तो आपने एजुकेशन को ठोकर मारा, जब वक्त था तो आपने समय को समझा नहीं, और जब वक्त गुजर गया तो फिर रोने से क्या फायदा। अब सिर्फ तकदीर आपकी यह बन गई कि जिल्लत की जिंदगी जीते हुए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए और फिर अपनों से दूर होते चलिए। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको एक नई दिशा जरूर देगी। उन तमाम पेरेंट्स से भी मेरा एक निवेदन है, उन तमाम स्टूडेंट से भी निवेदन है कि अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो निश्चित रूप से यह अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का कार्य करें, ताकि अगर कोई भ्रम की स्थिति बनी हुई है, अगर आज उनके साथ कोई भटकाव की स्थिति बनी हुई है तो उसे समझ ले। जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो इंसान को भटकाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आज जो दोस्त आपको दिखाई दे रहा है उसकी हर एक बात आपको अच्छी लग रही है, हर एक बात उसकी अच्छी लग रही है, लेकिन वही जो एजुकेशन की बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो पढ़ाई की बात करते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपको सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं। तो यकीन मानिए वह समय आपके लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि आपकी आंखों पर जो पट्टी चढ़ी हुई है वह धोखे की पट्टी बांध दी गई है। एक ऐसा धोखा जो आपकी जिंदगी को हर पल बर्बाद कर रहा है, आपकी जिंदगी को हर पल खत्म कर रहा है, और अपनी जिंदगी को आबाद करना और बर्बाद करना दोनों ही आपके हाथों में है। यदि आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करना आबाद करना चाहते हैं तो यकीन मानिए, अपने एजुकेशन के दामन को अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उसे पकड़ लीजिए और उस डोर को पकड़कर आगे बढ़िए, फिर मुस्कुराहट आपके साथ होगी। लेकिन यदि आपने तय कर लिया हर हाल में मुझे बर्बाद होना है, हर हाल में मुझे यही करना है, तो फिर दुनिया आपको कभी भी संभाल नहीं सकती। क्योंकि आज आपको जो प्यार अच्छा लगता है, आज आपको जो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, वह आपके लिए कभी अच्छी नहीं है, क्योंकि वह आपका वक्त बर्बाद कर रही हैं, आपसे एजुकेशन छीन रही हैं, आपसे आपका हक छीन रही हैं, आपसे आपका जीने का हक छीन रही हैं, आपके आपसे आपकी मुस्कुराहट छीन रही है, और फिर आपके जीवन में परेशानियों का भरने का काम कर रही है, आपको वह बेईमानी के रास्ते पर सिखाने का कार्य करती। हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती, इस बात को जरूर समझिएगा और जानने का प्रयास करिएगा। मेरा मकसद था आप एक संदेश पहुंचाना जो आजकल के युवाओं में चल रहा है, वो ऐसी भटकाव की स्थिति जो दोस्त बनाने की है। दोस्त वास्तव में इस दुनिया में अगर एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो आपकी जिंदगी बन सकती है, लेकिन अगर आपके सैकड़ों दोस्त मिल जाए और आपको सिर्फ आपके साथ चापलूसी करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। आप हर जगह से ठोकर खाएंगे, आपको हर जगह से लताड़ मिलेगी, आपको एक खिताब मिलेगा और वह खिताब होगा एक तमाम बातें आप खुद समझ लीजिए। मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता कि वह क्या क्या खिताब मिलेगा। अगर कोई आपको आवारा कहता है, अगर आपको कोई कुछ कहता है, तो शायद हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन यकीन मानिए कि आपके पेरेंट को कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपकी जिंदगी में हंसी लाना और दुख लाना, ये दोनों आपके हाथ में। अगर आप अपनी जिंदगी को आबाद करना चाहते हैं तो आज से शुरू हो जाइए, और अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं तो भी शुरू हो जाइए, क्योंकि फिर यह सोच का मामला है और इस पर किसी का बस नहीं चल सकता।
यहां आपके ना तो रिलेटिव कुछ कर सकते हैं, ना तो आपके पेरेंट कुछ कर सकते हैं, वह सिर्फ एक तमाशा देख सकते हैं और आपकी बर्बादी होते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसके अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।